press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके से लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। यहाँ जब मैं जस्टिन ट्रूडो के बारे में पढ़ता हूँ, तो जस्टिन ट्रूडो का पीरियड, इनके वालद पीरियड, उनके हालात भी यही थे। वो भी ये अब उसका भी नंबर काटने को फिर रहे हैं। वहां उस वक्त एक परमार साहब थे, जो के कैनेडियन हवाई जहाज के दहशतगर्दी के उसके उसमें इन्वॉल्व थे। ये उनको भी हवाले भारत के नहीं करते थे, जिनको बाद में भारतीय पुलिस ने पंजाब में काउंटर करके मारा था। अब पिछले दिनों में भारत ने 20 लोगों का इनको कहा था ये टेररिस्ट है, हमारे हवाले किए हैं, सिर्फ 6 किए गए। चले, लेकिन इस वक्त देखा जाए कनाडा के हालात वैसे भी ठीक नहीं है। आपको तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, लोग वहां टेंटों में रह रहे हैं, बहुत बुरी हालात है। जॉब कोई नहीं, इकॉनमी कोई नहीं है। सोशलिस्ट एजेंडा उस बंदे ने दे के इस जस्टिन ट्रूडो ने सत्यानाश कर दिया। उसकी वजह भी यही थी, इसी वजह से उनके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हुआ था, लोग बेजार हैं। चले, जाती दफा उन्होंने खालिस्तान का ऐलान कर दिया हो, भारत को मुबारक हो। और दूसरा मैं इसके यहाँ ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि इसके ऊपर इस वक्त खालिस्तान का नारा दो चीजें, या तो फैशन है या कारोबार है। पन्नू साहब का कारोबार है, कुछ लोगों का ये फैशन है। हमारे पप्पू गांधी आए थे वहां पे, उल्टी सीधे बातें करके गए थे। मैं खुद आई विटनेस, गवाह हूँ इस चीज का। जब भी भारत गया हूँ, हरमंदर साहब गया हूँ, मेरे भाइयों जैसे भाई जो हैं खुद सरदार हैं, मैं मुझे नजर नहीं आता कि द सिक्स आर हैव एनी प्रॉब्लम इन इंडिया। चले, कारोबार है, फैशन है, एंजॉय करना चाहिए, ड्राइंग रूम की हद तक तो ठीक है। हाँ, या एक जरूर बात करना चाहूंगा, पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त शरारत करने वाले, तीली तेल के ऊपर तीली फेंकने वाले सारे यूके बैठे हैं अमेरिका, यही रवाज है खालिस्तान का भी। खालिस्तान बनाने वाले सारे यूके या कनाडा या दूसरे मुल्कों में है, वहां नहीं बैठे, बोर हो जाते हैं तो फिर इस तरह की शरारत। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर एक बात मैं जरूर एससीओ के बारे में कहूंगी कि बेशक मोदी जी नहीं आए, लेकिन डॉक्टर जयशंकर भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। और बरखा दत्त अगर ये बात कर रही हैं लाहौर बैठ के, तो वो तो खुद भी इस्लामाबाद नहीं आई थी, वो तो लाहौर में ही रही, वो उन्होंने तो एससीओ मीटिंग अटेंड नहीं की है। नहीं, वो तो हो सकता आई, बरखा दत्त के रिलेशनशिप है शरीफ फैमिली के साथ, हो सकता है पर्सनल इंटरव्यू लेने के लिए सिर्फ आई हूँ वो, ये भी कोई बात नहीं है। लेकिन उसमें बात ये मैं करना चाहूंगा ना, इस वक्त मोदी साहब को कह रहे हैं जी लाहौर में बैठ कर आप आ जाएं, मोदी आपको जरूरत है मोदी साहब की, या आप मोदी साहब को आपकी जरूरत है, पूछने वाला क्वेश्चन। मैंने तो जवाब ये दिया था ना, देखे ना आपने, देखे प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआ प्यासे के पास जाता है, जरूरत आपकी है। बैंकक्रप्ट आप है, 24 दफा बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, आपको IMF जो है बेल आउट करता है, भारत बेल आउट, तो वो तो बैंकक्रप्ट नहीं है ना। आपको ट्रेड की जरूरत है, आपको रिलेशनशिप आपको है, आपको चाहिए था कि आपके दूसरे, आपने हर एक को रिसीव किया है एयरपोर्ट पे जाके, तो जाके आपके वजीर खारजा को वजीर खारजा रिसीव करता ना भाई। बिल्कुल, ख्याल में मैं तो इस पे ये कहता हूँ, क्योंकि आपको जरूरत है उनकी, और मोदी साहब को भी आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, आप चले जाए वहां उनके पास, मैं तो ये कह रहा हूँ। और दूसरा इस वक्त उससे अगला टॉपिक जो जिसपे बात करना चाह रहा था वो ये था कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर जो चीज चल रही है वो बच्ची के केस पंजाब कॉलेज पे रेप का, उसकी स्टोरी भी सामने आ चुकी है। दो बच्चियों के नाम आए आरजू उसमें, तो दोनों को जब चेक किया गया, एक बच्ची तो बहुत मौजूद ही नहीं थी, दूसरी बच्ची भी वाकई पे मौजूद नहीं, बल्कि घर में जख्मी है, उसके बाप ने कहा है वो घर के अंदर गिर के जख्मी हुई है। आज मरियम नवाज साहिबा ने उस बच्ची को साथ लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी अच्छी बात। लेकिन उसका सारा जो मैं निकालना ये चाह रहा था आरजू, देखें इसकी टाइमिंग बड़ी खतरनाक है। ये एक बहुत बड़ी स्कीम थी आपकी, एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी की, कि जिस वक्त एससीओ हो रही हो उस वक्त इस तरह का हंगामा किया जाए। हालांकि वो बच्ची नहीं मिली ना सीसीबी, उसका कोई प्रूफ नहीं, लेकिन उसको एक बहुत बड़ी खबर बना के बच्चों को सड़कों पर ले आया।
मेरा मेरी गुजारिश यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से आपके एक शरारती बच्चे ने, लाहौर वाले ने, लंदन के अंदर जब वो मुसलमान कहा था कि मुसलमान बंदे ने दो लड़कियां मार दी हैं, तो यूके वाले लाहौर पहुंच गए थे पकड़ने के लिए। तो आप कहाँ हैं? आप क्यों नहीं पकड़ रहे उसको जिसने ये खबर निकाली? सुना है दो इंस्टाग्राम के अकाउंट जो है वो पकड़े गए हैं, लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं हुई जिन्होंने ये शरारत की। जब तक इनको नहीं पकड़ा जाएगा तब तक क्या हो? दूसरी, आज मैं ये बात कर, एक और मेरी एक और तरफ तवज्जो यही थी इसी के हवाले से कि आपके इस वक्त जर्नलिज्म खत्म हो चुका है। आपके ज्यादातर जर्नलिस्ट जो है वो जर्नलिस्ट कहलवाने के हकदार ही नहीं है, वो एक्टिविस्ट बन चुके हैं। लेकिन जब पुलिस पकड़ती है तो वो प्रेस क्लब में जाके बैठ जाते, कहते मैं तो जर्नलिस्ट हूं, हालांकि तुम तो पीटीआई के वर्कर हो। एक तो ये अच्छा, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूं यही आपके हालात जजों का है, वो भी एक्टिविस्ट है, वो भी सिर्फ कहते हैं गुड टू सी यू, वो भी एक्टिविस्ट। आपके वकील भी जो है वो वकील ही नहीं है, वो भी एक्टिविस्ट है। आपकी पुलिस के अंदर भी देखें, ये आपका जो अगले दिन हंगामा हुआ है, आप सुन, आपको पता चला है मोटरवे के दो तीन पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व पकड़े गए, जब अली मीन गंडापुर ने हमला किया पाक इस्लामाबाद के ऊपर, उसमें आधे तो आपके एम्प्लॉय थे फेडरल गवर्नमेंट के और सूबे के। तो फिर आप हैं क्या? आप कौन है? ये क्वेश्चन। आप जर्नलिस्ट भी नहीं है, आप कहते हैं कि जिहाद करना है, ये सियासत नहीं जिहाद है। जजों का टारगेट भी यही है कि ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। आपकी एस्टेब्लिशमेंट में भी इसी तरह की तोड़फोड़ है कि ये जस्टिस नहीं, ये सियासत नहीं, जिहाद है। आपके चट्ठा साहब, लियाकत चट्ठा था डेप्टी कमिश्नर, वो भी पीटीआई का वर्कर था, वो कमिश्नर को नहीं था। तो आपकी डेस्टिनेशन क्या है? आप बनना क्या चाहते हैं? आज आपको खान साहब और सबसे बड़ी बात यह कि आज मैंने खैर ट्वीट भी की है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मुबारकबाद दें, वो बच गई। नाम नहीं है खान साहब का, उन्होंने माफी मांग ली। भाई आज आर्टिकल छपा लंदन के अंदर, उस आर्टिकल में लिखा है कि खान साहब से माफी मांगे। ये वो खान साहब हैं जब तालिबान आए थे तो इन्होंने कहा था अल्लाह ताला की मेहरबानी हो गई है कि तालिबान आ गए हैं, और ये वो तालिबान है जिन्होंने बच्चियों की तालीम बंद कर दी थी, कर दी है। फिर उन्होंने कहा था गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, अब ये ऑक्सफोर्ड को बंद कराने के चक्कर में पड़े, उसको ताले लगवाएंगे, कहेंगे बंद कराना इसको। आज बच गई ऑक्सफोर्ड, यूके वालों को मुबारकबाद दें कि आप बच गए हो एक बहुत बड़े हादसे से, वरना आपका हालत भी वही होनी थी जो पाकिस्तान की। सर मीडिया का तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बुरी हालत है, कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी के लिए काम कर रहा है, वो जर्नलिज्म तो रही नहीं पाकिस्तान में। लेकिन सिर्फ जर्नलिज्म तो, मैं जर्नलिज्म का तो मैंने एक आपको मिसाल दी है ना, कि जब पकड़ने के लिए आते हैं तो वो फौरन जाके प्रेस क्लब में बैठ जाते हैं, हम तो जर्नलिस्ट है भाई, हालांकि वो जर्नलिस्ट वो तो एक्टिविस्ट है। लेकिन मुझे ये बताया, जज भी तो यही कर रहे हैं ना, बताया ना फलां डिपार्टमेंट में ये नहीं हो रहा, आपके डिपार्टमेंट में यही हो रहा है, आपकी एस्टेब्लिशमेंट भी डिवाइडेड है, आपके अदालतें जुडिशरी भी डिवाइडेड है, आपका हर आपका पाकिस्तान डिवाइडेड है भाई। एक सूबा कह रहा है कि हमने हमला करना है पंजाब के ऊपर, पंजाब और आपके एक सूबे ने हमला कर दिया है, बल्कि अली अमीन गंडापुर ने तो हमले दो दफा किए, उसने तो अटैक किया ना, जिस तरह अमित शाह अब्दाली अटैक करता था उस तरह उसने अटैक किया, और दूसरा सूबा बलोचिस्तान है, वहां पे पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड दे के मारे जा रहे हैं। बिल्कुल, और उसके बाद ग्वादर के एयरपोर्ट, या तो मजा तब आता ना कि इस चीनी प्राइम मिनिस्टर को आप ग्वादर लेके जाते ना वहां पे करने, इससे आपने तो ये किया कि चाइना के अंदर ही उसका इफ्तिताह करा लिया। इस्लामाबाद में खड़े होके ग्वादर के एयरपोर्ट का इफ्तिताह किस तरह होता है भाई? चले, लेकिन वहां ले जाने की हिम्मत नहीं होगी ना इनकी कि वहां कैसे लेकर जाए। मैं यही तो कह रहा हूं कि इसको बचाएं, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी लोगों से मेरी अपील है, अगर कुछ है, अगर कोई है वहां पे, मुझे तो खैर नजर नहीं आता, मेरे ख्याल में सारे भाग भूग गए हैं पाकिस्तान से, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी मौजूद है तो उसको बचाने की कोशिश करें, उसको बचाने की कोशिश करें। लेकिन सर यहाँ पर तो जो बात की जा रही है कनाडा को लेकर और भारत को लेकर, तो उसके बीच में तो कहीं ना कहीं अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट भी बताई जा रही है।
देखिए अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हो ना हो, लेकिन एक बात है वेस्ट को जो सबसे आज अब ये आज जो इस पे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया इसको कह रहा है कि वेस्ट का डबल स्टैंडर्ड है। मैं खुद इस पे मैंने आपको बात की है कि वेस्ट का डबल स्टैंडर्ड है, गाजा पे डबल स्टैंडर्ड है, दहशतगर्दी के खिलाफ डबल स्टैंडर्ड है। मैं खुद यही बात कर रहा था आपका आपसे, लेकिन अगर देखा जाए तो वेस्ट को भारत की जो उभरती हुई इकॉनमी है उनको पसंद नहीं, उनका दुनिया के अंदर असर रसूख बढ़ता हुआ उनको पसंद नहीं, इसमें कोई शक नहीं। ये आप जिस तरीके से भी आप देखिए, रेटिंग की तरफ जाएंगे कुछ और क्रिटिसाइज करेंगे, उसकी जमहूरियत को क्रिटिसाइज करेंगे, अपनी जमहूरियत नहीं देखेंगे। और दूसरा वेस्ट का सबसे बड़ा जो तरीका वारदात पिछले 50 सालों से था आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ह्यूमन राइट्स को सामने रख के डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के चक्कर में, फ्रीडम को प्रमोट करने के चक्कर में इन्होंने सारी दुनिया तबाह कर दी। ये ड्रामा था, बहुत बड़ा टोपी ड्रामा था। आज आप अगर देखें डबल स्टैंडर्ड इनका, इराक की हालत देख लें आप, ये जमहूरियत देने गए, ये उनको लिबर्टी देने गए, फ्रीडम देने गए, उसकी हालत देख लें आप। लीबिया की हालत देख लें, ये उनको फ्री करने गए, आज वॉर लॉर्ड्स वहां सारे पे। ये अफगानिस्तान को कहते हैं हम तुम्हें फ्री करने आए, आज बच्चियां 6-6 साल, आज बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती। ये वेस्ट के तोहफे हैं हमारे, ये वेस्ट का सबसे बड़ा तोहफा, 45,000 बीवी औरतें और बच्चे मारे जा चुके हैं। मैं 7 अक्टूबर को कंडेम करता हूं, डेफिनेटली वो टेररिज्म एक एक्ट था, लेकिन रेशो होती है ना, कलेटरल डैमेज की भी रेशो होती है, ठीक है। उन्होंने हमला किया था, आप हमास के खिलाफ जाए ना, 45,000 औरतों और बच्चों का क्या उनका कसूर है। अब आप चौथे मुल्क पे हमला कर रहे हैं, आप लबनान में भी घुस गए जाके 7 अक्टूबर के, और पीछे हर बम के ऊपर एड्रेस अमेरिका का लिखा, पैसा इनका है वेस्ट का। लेकिन ये यही डबल स्टैंडर्ड वो भारत की तरफ है, भारत का उभरता हुआ जो उनका इन्फ्लुएंस है और उनकी इकॉनमी, ये इनको हजम नहीं हो रही और बार बार ये अटैक करते रहेंगे। ये अब तो ये कमजोर हो चुके ना बहुत ज्यादा, वरना ये रोक लेते हैं भारत को, किसी और तरीके से तंग कर लेते, ये भी एक तरीका है। यहाँ पे निकल आएंगे सर, भारत निकल आएगा इस प्रॉब्लम में से, कनाडा वाली में से, आपको लगता है? ये कुछ भी देखे ना, मैंने आपको पहले बताया इस वक्त भी पाकिस्तान की तरह ट्रेड की जरूरत जो है वो कनाडा को है। अब मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा, 3 चीजें इस वक्त जा रही है कनाडा से। नंबर 1 एक्सपोर्ट भारत को जाती है दालें, सबसे ज्यादा दालें यहाँ 25% जो भारत के अंदर इस वक्त जितनी दालें उसमें से 25% जाती है कनाडा से। आज अगर ये इकोनॉमिक उसको देना बंद करेंगे, वो ऑस्ट्रेलिया से कहीं और से दालें ले लेंगे, लेकिन खुद भूख से मर जाएंगे। अपने फार्मर क्या उगाएंगे, आलू उगाएंगे यहाँ पे। दूसरा पोटास है, यहाँ से एग्रीकल्चर के लिए पोटास जाता है, उसके खाद में बनता है, वो यहाँ से होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था आरजू, जो मैंने इनके ऊपर रिसर्च की है, ये बल्कि थोड़ी सी स्टेटमेंट दी है जस्टिन ट्रूडो ने इसके बारे में कि हम इसको ट्रेड को खराब नहीं होने देंगे, हम ट्रेड जारी रखेंगे इंडिया के साथ, लेकिन ये खुद अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर ये करना चाहे भी तो ये कर नहीं पाएंगे। लेकिन ये कि इस वक्त जो मैं आखिरी इस पे पॉइंट बोलना चाहूंगा, दर हकीकत ये वोट जो डायस्पोरा है ना, उसके वोटों की सारा झगड़ा है वोटों का। यहाँ पे जो सिख वोटों की तरफ जस्टिन ट्रूडो जो है और जगमीत सिंह है, उनके ये कारोबार है वोटों का। अभी मैं जब इस पे रिसर्च कर रहा था तो तामिल जो जितने टेररिस्ट थे उनको स्विस और यूके की सपोर्ट हासिल थी, क्योंकि स्विट्जरलैंड और यूके के अंदर श्रीलंका और तामिल जो थे बहुत ज्यादा थे, वो उनको सपोर्ट करते रहे वहां। लेकिन ये तरीका खराब है, बहुत खराब कि आप अपने चंद वोट हासिल करने के लिए किसी दूसरे मुल्क के इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर करते हैं, ये सबसे कंडेमेबल है, अच्छा रवाज नहीं है। ये टिट फॉर टैट अगर उन्होंने दूसरे ममालिक ने भी शुरू कर दिया तो आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ये अच्छी मिसाल मेरे ख्याल। बिल्कुल ऐसे ही सर, और बार बार कनाडा की तरफ से इसी किस्म की हरकतें हो रही हैं, जिसको जिससे लगता है कि वो भारत से जो है वो पसंद नहीं कर रहे भारत का आगे बढ़ना। लेकिन खैर इस पे हमारी नजर रहेगी, और इस तरह की जो भी न्यूज है, खास तौर पे इलेक्शन से पहले सर, आपको जरूर मैं जहमत दूंगी कि आपको बताना है। बल्कि अभी 1-2 दिन में इलेक्शन पे पूरी डिटेल, सिर्फ एक प्रोग्राम अमेरिकन इलेक्शन पे करते हैं, आपको पता है मेरा पैशन है। मैं अभी भी जो 2-3 दिन का नागा था कैंपेन पर था ट्रैवलिंग, पेंसिल्वेनिया जो है वो एक स्विंग स्टेट है, मैं तकरीबन 1 हफ्ते से वहां ट्रेवल कर रहा था, बल्कि मैंने 1 दिन पूरा डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ गुजारा, मैं वो भी अपने देखने वालों से शेयर करूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है, उसके ऊपर हम बिल्कुल शो करेंगे, जैसे ही आपको टाइम मिलता है आप प्लीज मुझे बताइएगा। बहुत शुक्रिया कि आप आ जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और साजिद आड़ा साहब का ये डिस्कशन और उनके पॉजिटिव व्यूज और एनालिसिस आपको काफी पसंद आएंगे।
खासकर हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, और उन्होंने बात की एस जयशंकर के बारे में जो भी हाल ही पाकिस्तान से लौटे हैं, और खासकर बात की इन्होंने इंडिया और कनाडा के रिलेशंस के बारे में। इसके बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।